आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलीनोमियल। पॉली मींस होता है मैनी, नोमियल मींस होता है नंबर, जिसमें ज़्यादा नंबर हो उसे पॉलीनोमियल्स कहते हैं। हिंदी में पॉलीनोमियल्स को बहुपद बोलते हैं, जिसके ज़्यादा पद हो, बहुपद। तो हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें इसमें ये समझाना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है, कौन सी इक्वेशन जो है वो पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सी स्टेटमेंट पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो गाइस, पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल जब होता है, जब इस फॉर्म में लिखा हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर यही इक्वेशन इन क्यूब के फॉर्म में हो तो होता है ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, क्या ये पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल है? हाँ, ये पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसके अंदर हमारा 4x स्क्वायर है, 3x है, 7 है। हमारी इस इक्वेशन को ये फॉलो कर रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, ये हमारी इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल है। ये प्लस और माइनस हो सकता है, ठीक है। अब हमारी सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? सेकंड इक्वेशन कह रही है y स्क्वायर प्लस रूट 2। अगर हम इसे खोल लें तो y स्क्वायर रहेगा प्लस रूट 2, का मतलब हो गया हमारे पास कि ये हमारा 1/2 है। x हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इसे x मानेंगे बीच में। तो ये हमारा, ये भी हमारे इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, ax स्क्वायर बी एक्स, यहाँ पे जो कुछ नहीं है वो x है, वो बी एक्स हो जाएगा और ये हमारा c हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल हैगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा 3√t। जब रूट हटता है तो मतलब 3t के ऊपर पावर हो जाएगी 1/2 प्लस टी 2 के ऊपर पावर हो जाएगी 1/2। क्या यह इक्वेशन ये वाला रूल फॉलो करती है? नहीं, क्योंकि ये ना तो ax स्क्वायर है, ना यहाँ bx है, ना यहाँ c है। तो मतलब ये वाला जो थर्ड पार्ट है ये हमारा पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट हमारा कह रहा है y प्लस 2√y। क्या y प्लस 2√y हमारा पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल है? अरे, इसमें तो y तो ये रहा प्लस 2, रूट वाई का मतलब y की पावर हो गई 1/2, तो ये y स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन भी हमारी पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन कहती है x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। इनके पावर है 10, 3 और 50, और ये होल नंबर्स हैं, तो होल नंबर्स हमारे पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि ये हमारी इस फॉर्म को फॉलो नहीं करते। अब हम पॉलीनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। कोफिशिएंट होते हैं जैसे काउंटिंग 1, 2, 3, 4 up to n, और x जो है, x, y, z जो होते हैं वो हमारे होते हैं वेरिएबल्स। ये जो x, y, z जो होते हैं वो होते हैं हमारे वेरिएबल्स, ठीक है। और कोफिशिएंट होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, सो ऑन। अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x। तो इसमें हमारा कोफिशिएंट क्या होगा? देखो, इसके साथ एक्स स्क्वायर तो लगा नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर है, पर इसके साथ कोफिशिएंट कहाँ है आप सोच रहे होगे? तो इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट इसका है 1। तो हम ऐसे लिखेंगे आंसर नंबर 1
एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 1। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पार्ट है हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। तो इसमें 2 के साथ तो एक्स स्क्वायर लगा नहीं हुआ, तो मतलब ये कोफिशियंट तो होगा नहीं एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ प्लस का 1 था, यहाँ माइनस का 1 है। तो हम इसका लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर कोफिशियंट ऑफ द इक्वेशन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब इज माइनस 1। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, पाई बाई 2। तो हम इसे लिखेंगे आंसर नंबर 3, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट ऑफ द इक्वेशन 2 पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज पाई बाई 2। सिंपल पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो 3 क्वेश्चन कह रहा है, गिव वन एग्जांपल, हमें एक उदाहरण देना है ईच ऑफ अ बायोनोमियल का और डिग्री ऑफ 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल का जिसकी डिग्री होगी 100। मतलब एक तो हमें बायनोमियल का एग्जांपल देना है, एक हमें मोनोमियल का एग्जांपल देना है। तो बायनोमियल का जो एग्जांपल होगा उसमें जो डिग्री लगेगी, इसमें जो घात लगेगी वो लगेगी 35 की, और जो मोनोमियल का जो एग्जांपल होगा उसमें जो डिग्री लगेगी वो लगेगी 100 की। अब बायनोमियल का मतलब क्या होता है, बायनोमियल मीन्स बाय मीन्स 2, नोमियल मीन्स नंबर्स, जिसमें 2 नंबर यूज हो उसे बायनोमियल बोलते हैं। और मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें मोनो मतलब सिंगल, नोमियल मतलब नंबर, सिंगल नंबर यूज हो उसका एग्जांपल देना। कोई भी टर्म ले लो, अगर हम बायनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले बायनोमियल एग्जांपल, तो ये हमारा होगा कोई भी टर्म ले लो, x के साथ ले ली 3x प्लस कोई भी कांस्टेंट ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 2 ले लो, 3, 4 ले लो, तो 3x की पावर कितनी होनी चाहिए हमारे पास बायनोमियल में, 35। अब क्या ये हमारी इक्वेशन सही है, कैसे पता लगा, इसमें 2 हमारे नंबर्स हैं और x की घात कितनी है 35, तो इसका मतलब ये हमारी एग्जांपल सही है। अब हमें मोनोमियल का एग्जांपल बताना है, तो मोनोमियल मीन्स सिंगल जिसमें नंबर हो, तो इसका एग्जांपल होगा कुछ भी ले लो 2x की पावर 100। ये हमारा मोनोमियल सिंगल नंबर और x की पावर कितनी देनी थी हमें। पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें ये क्लासिफाई करना है कि कौन सा हमारा लीनियर फॉर्म है, कौन सी हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, कौन सी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हमें पता था कि जो क्वाड्रेटिक होती है उसकी जो पावर लगती है, जो पावर लगती है क्वाड्रेटिक में वो होती है 2, मतलब एक्स का स्क्वायर वाली जो होती है क्वाड्रेटिक होती है, एक्स की क्यूब वाली हमारी क्यूबिक होती हैं, और लीनियर में कोई पावर नहीं होती। तो ये हमारा पहला जो पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो क्या है हमारी, ये हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर क्या है 2 है। दूसरा पार्ट जो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3, मतलब यहाँ पर हमारे एक्स की पावर क्या है 3 है, तो ये हमारी होगी क्यूबिक इक्वेशन। अब थर्ड पार्ट जो है हमारा, ये है हमारा वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें जो वाई की जो पावर है वो 2 है, तो 2 का मतलब ये भी हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली भी। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट पे 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स पे कोई भी पावर नहीं लगेगी, तो ये हमारी जो होगी वो होगी हमारी लीनियर इक्वेशन।
ऐसे ही हमारा 3t है, ये भी हमारा होगा लीनियर इक्वेशन। अब सिक्स्थ में क्या है हमारा, x की पावर 2, मतलब x की पावर 2 है तो इसका मतलब ये हमारी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सेवन्थ में हमारा होगा x की पावर 3 है, मतलब ये होगी हमारी क्यूबिक इक्वेशन।